तो जून में स्टार्ट होने वाले हैं सी एम ए फाउंडेशन के एग्जाम्स यस यू हर्ड इट राइट सी एम ए फाउंडेशन के एग्जाम्स जून में स्टार्ट होने वाले हैं तो क्या स्टूडेंट्स आपने प्रिपेरेशन स्टार्ट कर दिए इफ़ नॉट देन डोंट वरी यू आर ऑन द राइट वीडियो एट द राइट चैनल तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको आप यूज़ करके बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकते हो तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द स्टडी प्लान रिगार्डिंग द बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट देखिए स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वेटेज के बारे में ही नहीं पता होता है और जब भी हम सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली हमें जो भी चैप्टर्स हैं उनकी वेटेज पता होनी चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है उसे दो सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है फर्स्ट वन इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अनदर वन इज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट ओवरऑल जो आपका पेपर कंडक्ट होगा वो कंडक्ट होगा हंड्रेड मार्क्स का आउट ऑफ दैट हंड्रेड मार्क्स सेवेंटी परसेंट की वेटेज रखता है बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि सेवेंटी मार्क्स का पेपर आपका आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का और थर्टी परसेंट की वेटेज दी गई है मैनेजमेंट को यानी कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे थर्टी मार्क्स के फाइन तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको जो ज़्यादा टाइम डिवोट करना है जो ज़्यादा एफर्ट्स डिवोट करने हैं वो करने हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के पोर्शन पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मैनेजमेंट को बिल्कुल इग्नोर करना है ऐसा नहीं करना लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हमें कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए बिज़नेस इकोनॉमिक्स के पोर्शन को क्योंकि ये आपकी वेटेज रख रहा है ज़्यादा दैट इज सेवेंटी परसेंट चलिए आगे हम बात करेंगे हमारी स्ट्रेटी की तो जैसे कि हम जानते हैं कि फोर मंथ सिर्फ रह तो 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 इस फोर फोर मंथ्स को मैंने डिवाइड कर दिया है 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 पार्ट्स में month, month, month okay? तो में फर्स्ट फर्स्ट मंथ 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 थर्ड एंड फोर्थ ओके आपको क्या करना देखिए स्टूडेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन उसमें चैप्टर्स आर देयर राइट और नेक्स्ट टू चैप्टर्स करने में. कि आपको में करना है one, concepts, two, और आपको सेकेंड मंथ में कंप्लीट करने हैं चैप्टर थ्री विच इज मनी एंड बैंकिंग एंड चैप्टर फोर विच इज इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट फिर बात करेंगे थर्ड मंथ की थर्ड मंथ में आपको मैनेजमेंट का जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर अप कर लेने हैं ठीक है एंड फोर्थ मंथ में आपको फोकस करना है मल्टीपल रिविजन्स पे बार 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 जितना भी आपने पोर्शन कर लिया है ऑफकोर्स सारा सिलेबस हमने गो थ्रू कर लिया फर्स्ट थ्री मंथ्स में तो फोर मंथ्स में हमें उसकी मल्टीपल रिविजन्स करनी है बार 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 बार, बार, बार रिविजन्स करनी है ठीक है एंड टेस्ट देने हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि टेस्ट देने से आपको आपके वीक पॉइंट्स पता लगते हैं और आप उनको फिर ठीक करते हो फाइन तो ये तो रहा कुछ फोर मंथ्स का प्लान अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने ये तो बता दिया कि कौन से चैप्टर्स करने हैं लेकिन इन चैप्टर्स को करना कहाँ से है और कैसे प्रिपेयर करना है तो चलिए बात करते हैं देखिए स्टूडेंट्स कोई भी चैप्टर प्रिपेरेशन करना हो आपको तो उसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है प्रिपेरेशन को फर्स्ट वन इज योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी एट प्रायोरिटी देखिए स्टूडेंट्स जब भी आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इसका मतलब है आपको आईसीएमए मॉड्यूल में से सारे के सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है उसकी एक एक लाइन एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है बिलीव में एक एक लाइन एक एक वर्ड अगर आप कर लेंगे तो कोई और स्टडी मटेरियल को या किसी और एकेडमी के स्टडी मटेरियल को आपको देखने की नीड भी नहीं है फाइन तो आपको जो भी करना है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए वो क्या करना है कि आपको जितने भी चैप्टर्स हैं हर एक टॉपिक ऑफ द चैप्टर हर एक सेंटेंस ऑफ द चैप्टर बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेना है फ्रॉम आई सी मॉड्यूल यही आपकी कुरान है यही आपकी बाइबल है यही आपकी गीता है नेक्स्ट आपको फिर प्रैक्टिस करने है, है क्वेश्चंस देखिए बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है हमने चैप्टर गो थ्रू कर लिया हमने शॉर्ट नोट्स बना लिए और नाउ अवर चैप्टर इज ओवर हमारी प्रिपेरेशन हो गई इस चैप्टर की जबकि ऐसा नहीं होता है आप जब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा और आप ये मानिए कि आपकी प्रिपेरेशन बिल्कुल आधी हुई है अगर आपने क्वेश्चन पार्ट ही नहीं देखा है तो यू नीड टू तो प्रैक्टिस द क्वेश्चन इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप अपनी बैक एक्सरसाइज के आई सी एम आई मोड्यूल के क्वेश्चन को देख सकते हैं नेक्स्ट टेस्ट जरूर टेस्ट तो ज़रूर देने हैं बिकॉज टेस्ट दिए बिना हमें हमारे वीक पॉइंट्स नहीं पता लगेंगे हमें यही नहीं पता लगेगा कि हमारी प्रिपरेशन में क्या कमियां रह गई हैं राइट तो इस तरीके से आपको इन चैप्टर्स को गो थ्रू करना है अब बात करेंगे कुछ टेक्निक्स की जो आपको फॉलो करनी है फर्स्ट वन इज़ फिंगर रीडिंग टेक्निक देखिए जब भी आप आई का मॉड्यूल गो थ्रू कर रहे हैं मेक श्योर यू गो थ्रू ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ द मॉड्यूल ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द मॉड्यूल ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द मॉड्यूल राइट एंड प्लस यू यूज द फिंगर रीडिंग रीडिंग टेक्निक है इसका मतलब है आप जो भी सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं उस पर आपकी फिंगर हो आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं उस पर आपकी फिंगर हो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो डाइवर्ट नहीं होता है ज्यादा फाइन नेक्स्ट मल्टीपल रिविजन टेक्निक हमें फॉलो करनी है मान लीजिए स्टूडेंट आपने चैप्टर 1 ओवर किया ठीक है आप चैप्टर 2 पर आए तो चैप्टर 2 पर जब आप चैप्टर 2 का लर्निंग वर्क करो मेक श्योर आप चैप्टर वन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो

तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाए थ्रू अवर एक्सपर्ट गाइडेंस तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का फॉर सी एम फाउंडेशन और उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है ट्रिपल एट ट्रिपल एट जीरो फोर ज़ीरो टू इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए इस कोर्स में आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स ऑफ एवरी चैप्टर और हाँ यहाँ पर मैं एक चीज़ जरूर हाईलाइट करना चाहूँगी जो कंटेंट हम वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका बेस आई मॉड्यूल मोड्यूल ही है फाइन तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए अगर आप कोर्स परचेज करते हैं हमारे से तो स्टूडेंट्स देर किस बात की है जल्दी से इस कोर्स को आप कर लीजिए एनरोलमेंट करवा लीजिए इस कोर्स में सो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल सो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट टिल देन बाय टेक केयर जय शीशा